हाय गाइस, दिस इज़ अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। गाइस, इस वीडियो में हम IPsec VPN का फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर है VPN विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस वीडियो में हम VPNs के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शरी डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, IPsec VPN, सो इसमें हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ VPN, व्हाई वी नीड VPN और VPNs के क्या टाइप्स है, साइट टू साइट VPN क्या होता है, रिमोट साइट VPN क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि VPN क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए कि कोई एक कॉरपोरेट कंपनी है और उस कंपनी का नाम है, मान लीजिए कुछ तो एक कंपनी का नाम है ABC। अभी इस कंपनी का एक हेड ऑफिस है, HQ, इसका एक हेड ऑफिस है मान लीजिए पुणे में, और इसके कई सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं अलग अलग सिटीज़ में इंडिया में। कोई एक ब्रांच ऑफिस है मुंबई में, कोई एक ब्रांच ऑफिस है हैदराबाद में, कोई चेन्नई में, कोई नोएडा में, और काफ़ी सारे अलग सिटीज़ में इंडिया के। तो अभी ये सारे जो ब्रांच ऑफिसेस है, इन सारे ब्रांच ऑफिसेस को ये हेडक्वार्टर से कनेक्ट होना पड़ेगा, और ये कनेक्ट होंगे वैन कनेक्टिविटी पे, क्योंकि ये अलग अलग सिटीज़ में है, इसके लिए ये वैन कनेक्टिविटी पे कनेक्ट होंगे। सही बात है। तो अभी अगर हम वैन कनेक्टिविटी की बात करेंगे और ट्रेडिशनल वैन कनेक्टिविटी बात करेंगे, तो नाम आता है लीज लाइंस का। तो हर हेडक्वार्टर से हमें सर्विस प्रोवाइडर से लीज लाइन लेनी पड़ेगी हर एक ब्रांच लोकेशन के लिए। तो जैसे ये ले ली मैंने पुणे से नोएडा के लिए, तो ये लीज लाइंस डेडिकेटेड लाइंस होती है। इस पे जो डेटा जाता है कंपनी का, प्राइवेट डेटा जाता है, और ये बहुत ही सिक्योर लाइंस होती है क्योंकि ये डेडिकेटेड लाइंस होती है। बट इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वैन का, ये थोड़ा कॉस्टली सोल्यूशन है कि अगर मेरा कोई ऑफिस है हेडक्वार्टर्स और उसके एक या दो ब्रांच ऑफिसर्स हैं, तो ले सकते हैं लीज लाइंस और इतना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स हैं सिटीज़ कंट्री में और कंट्री के बाहर भी, तो ये लीज लाइन लेना बहुत ही कॉस्टली है। तो इसके ऊपर सोल्यूशन है कि इन सारे ऑफिसर्स को हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जैसे ये हेडक्वार्टर्स है मेरा पुणे में और ये ब्रांच ऑफिसेस है, ठीक है, तो इंटरनेट वैसे हर एक सिटी में अवेलेबल है। तो करना क्या होगा कि हर एक ऑफिस से, हर एक ब्रांच ऑफिस से और हेडक्वार्टर से सिर्फ एक इंटरनेट लिंक ISP से खरीदनी होगी और हम इस इंटरनेट के क्लाउड को कनेक्ट हो जाएंगे, और इस इंटरनेट के क्लाउड से डेटा हेडक्वार्टर्स से ब्रांच ऑफिसेस तक जाएगा। तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं वाया इंटरनेट। और इंटरनेट अगर आप कंपेयर करोगे इंटरनेट के चार्जेस और लीज लाइन के चार्जेस, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। इंटरनेट के चार्जेस काफ़ी कम है एज कंपेयर टू दी चार्जेस विच आर फॉर दी लीज लाइन्स। तो यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम थी कॉस्ट की, वो सॉल्व हो गई। लेकिन जिस तरह से लीज लाइंस बहुत सिक्योर है, इंटरनेट एक सिक्योर नेटवर्क नहीं है। अगर आप कुछ प्राइवेट ट्रैफिक इस इंटरनेट के पब्लिक नेटवर्क पे, इंटरनेट को तो पब्लिक नेटवर्क कहा जाता है, एक शेयर नेटवर्क कहा जाता है, एक अनट्रस्टेड नेटवर्क है, ना जाने कितने सारे लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क। ये इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। सो अगर हम प्राइवेट डेटा को, जो कंपनी का जो प्राइवेट डेटा है, उसको अगर हम इस पब्लिक नेटवर्क पे डाल दें, तो बहुत सारा चांसेस है कि ये डेटा हैक हो जाएगा या फिर लीक हो जाएगा या इसका कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। और अगर कोई कंपनी का डेटा
लीक हो गया या हैक हो गया तो उस कंपनी को काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए कि जिससे कॉस्ट भी कम हो, मतलब इंटरनेट, और उसके ऊपर डेटा मेरा सिक्योरली पास हो जाए। तो इसका सोल्यूशन है VPN, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलाव करता है यूजर्स को कि वो अपना प्राइवेट डेटा को पब्लिक नेटवर्क पे बहुत ही सिक्योरली सेंड कर सके। डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा को इंटीग्रिटी देता है VPN। तो VPN से ही हम इस चीज को अचीव कर सकते, दोनों गोल्स हम अचीव कर सकते हैं VPN से। एक तो कॉस्ट, लोअर कॉस्ट अचीव कर सकते हैं, और साथ में सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो दोनों गोल्स अचीव हो सकते हैं VPN से। सो VPN एक प्राइवेट नेटवर्क है आपके पब्लिक नेटवर्क पे, या मैं कह सकता हूँ कि एक प्राइवेट चैनल है आपके पब्लिक नेटवर्क पे, जिससे डेटा सिक्योरली आप मूव कर सकते हो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑन अनट्रस्टेड पब्लिक नेटवर्क। सो गाइज, VPNs के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक IPsec VPN हो गया, MPLS VPN, GRE Tunnels, और बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस हैं VPN के। लेकिन इस पर्टिकुलरली इस सीरीज में हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं IPsec VPN के ऊपर। सो हमारा पूरा फोकस होगा इस सीरीज में IPsec VPN में। एक्चुअली मैं IPsec VPN सीधा शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा VPNs के बारे में बता दूँ, तो इसके लिए मैंने ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। VPN टाइप्स, अभी VPNs के टाइप्स, कोई VPN साइड टू साइड VPN कहता है। जैसे हमने अभी ये देखा कि जैसे ये नेटवर्क हमने देखा कि इसमें एक हेडक्वार्टर्स है और ब्रांच ऑफिसेस है। तो इसमें क्या है कि हेडक्वार्टर्स विच कनेक्ट टू दी रिमोट साइड ऑफिस, सो दिस काइंड ऑफ VPN कनेक्टिविटी को हम साइड टू साइड VPN कहते हैं। रिमोट VPN होता है जिसमें कोई एक रिमोट यूज़र घर पे बैठे या कोई रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए अपने ऑफिसेस के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक सेल्समैन है, ठीक है। अब ये सेल्समैन जो है ना, कोई काम के लिए कोई अलग सिटी में गया हुआ है या कोई अलग रिमोट लोकेशन पे गया हुआ है, और ये कोई होटल में ठहरा हुआ है, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है ना, ये पुणे में है, अरे पुणे के बाहर है या पुणे के अंदर है, किधर भी अलग कोई रिमोट लोकेशन पे है। अब ये बंदे के पास, बंदा यहाँ पे बैठे हुए होटल में बैठे हुए अपने लैपटॉप से इंटरनेट का यूज करते हुए इस ऑफिस को कनेक्ट हो सकता है, ओके। इसके पास सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और एक VPN का क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, ओके। तो ये बंदे के पास इंटरनेट होगा और VPN क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा इसके लैपटॉप में, तो वो यूज करके ये बंदा कनेक्ट हो जाएगा अपने पुणे वाले ऑफिस में। इसके यहाँ के VPN का एक डिवाइस होगा, इस पर वो कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स वो एक होटल से अपना पुणे वाले ऑफिस का सारे नेटवर्क के रिसोर्सेज, उसके सारे जो रिसोर्सेज है जो एक ऑफिस में बैठ के वो यूज़ कर सकता था, वो सारे चीज़ें वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये होता है रिमोट VPN। गाइस, अगर आपको ये नोट्स, ये एक लिंक है, इस लिंक पे मैं मेरे नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो amaltextblogspot.com पे अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग मेरे नोट्स मिलेंगे जो कि इस वीडियोस को रिलेटेड होते हैं। तो आप प्लीज़ टू विजिट दिस साइट वंस, और एक बार चेक कर लो कि नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं और ये वीडियो कैसा लग रहा है। फिलहाल तो इस वीडियो में मैं इधर ही रुक रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं और फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा IPsec VPN पे, और धीरे धीरे IPsec VPN का डेपनेस को टच करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो तब तक के लिए जय हिंद।